हेलो एवरीवन, शिराक स्किन केयर यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ DIY स्किन वाइटनिंग ब्लीच शेयर करने वाली हूँ, और उसके साथ ही आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ DIY आलमंड फेशियल। जैसे कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, करवा चौथ नज़दीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही होम रेमेडी DIY आलमंड फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी स्किन को वाइटन, ब्राइटन एंड आपकी दाग धब्बों को भी लाइटन करेगा। ये आलमंड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये फेशियल आपके बहुत सारे पैसे भी बचाने वाला है। अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है या पार्लर का खर्चा अफोर्ड नहीं करते, फेस्टिवल सीज़न में पार्लर वाले अपने चीज़ों का, अपने फेशियल्स का रेट भी डबल कर देते हैं। तो गाइज, इस आलमंड फेशियल को आप अपने फेस पर ज़रूर ट्राई करें एक बार, आपको डेफिनेटली अपने फेस पर फ़र्क फील होगा। आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ब्राइट, ग्लोइंग, सॉफ्ट और हेल्दी नज़र आएंगी। और हाँ, अगर आपने एक बार ये फेशियल अपने पे ट्राई कर लिया तो सीरियसली आप पार्लर का रास्ता भूल जाएंगी। और इतना इफ़ेक्टिव, इतना अमेजिंग रिज़ल्ट था इसका जब मैंने इसको घर पे किया। तो चलिए गाइस, जल्दी से सीख लेते हैं इस इजी सी आलमंड फेशियल को कैसे करना है। सो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को और पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सो गाइज, इसका जो पहला स्टेप होगा वो होगी DIY ब्लीच। और फेशियल करने के लिए इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बादाम, यानी कि आलमंड। आलमंड को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लीजिए, ये आपका फेशियल में आगे काम आएगा। इस फेशियल का जो पहला स्टेप है वो है DIY ब्लीच। ब्लीच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आलू का रस। आलू को अच्छे से ग्रेट करके उसका जूस निकाल लीजिए, और आपको चाहिए लेमन जूस 1 चम्मच, नींबू का रस इस आलू के जूस में ऐड कर दीजिए। ये बहुत अच्छी स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग का काम करती है हमारे फेस के ऊपर। लेकिन गाइज, उससे पहले अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो गाइज, इसका जो पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग प्लस स्क्रबिंग। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिया है 1 चम्मच बादाम का पाउडर। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच चावलों का आटा, और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये आपका क्लींजिंग प्लस स्क्रबर बनके रेडी है। क्लींजर प्लस स्क्रबर बनाने के बाद हमें बनानी है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम बनाने के लिए आपको एक बाउल में चाहिए 1 चम्मच बादाम का पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब हनी यानी कि शहद, और उसके बाद आपको ऐड करना है थोड़ा सा दही। जितना मैंने इस वीडियो में दिखाया है इतना ही दही आपको इसमें ऐड करना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप दही मत ऐड कीजिए, दही को स्किप कर दीजिए। ये आपकी मसाज क्रीम बन के रेडी है। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर पैक। पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच आलमंड पाउडर, बादाम का पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच के करीब चंदन पाउडर। चंदन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो ब्लीच बनाई थी नींबू और आलू के रस की, 1 चम्मच आपको उसको ऐड करना है बीच में, और थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये आपका बहुत ही अच्छा पैक बन के रेडी है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा क्लींजिंग प्लस स्क्रबर, मसाज क्रीम और पैक तीनों चीज़ें बनके रेडी है। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने फेस पे अप्लाई करनी है ब्लीच। एक कॉटन लीजिए, उसमें डिप कीजिए और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आलू और नींबू बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए, स्किन को डीपली क्लीन करते हैं, पोर्स ओपन करते हैं, जिससे जितनी भी गंदगी है हमारे चेहरे की वो निकल जाती है। सूखने के बाद जब वो 10-15 मिनट हो जाए ब्लीच को लगाए हुए, तो उसके बाद आपको एज इट इज़ फेस वॉश नहीं करना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है क्लींजर प्लस स्क्रबर। इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कीजिए, और अच्छे से 5 से 7 मिनट तक पूरे सॉफ्टली स्मूथ हाथ से अपने चेहरे की मसाज कीजिए।
स्क्रबिंग करना हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्क्रबिंग से जितने भी हमारी स्किन की डेड स्किन है वो निकल जाती है। चेहरे पे जितने भी वाइट हेड और ब्लैक हेड होते हैं वो बहुत तेज़ी से रिमूव होते हैं। अच्छे से अपने फेस को स्क्रब करें 5 मिनट या 7 मिनट तक, और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। ज़्यादा नहीं रगड़ना है, हल्के हाथों से अपने चेहरे की स्क्रबिंग करनी है। फेस को वॉश करने बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं मसाज क्रीम। इस मसाज क्रीम को अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करें और 10 मिनट तक अपने चेहरे को सर्कुलर मोशन में मसाज करें। मसाज करते हुए आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि मसाज हमेशा अंदर से बाहर और ऊपर से नीचे की तरफ करें। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा, जिससे आपकी स्किन ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग नज़र आएगी। आलमंड हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आलमंड्स में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हनी जो हमने इसमें मसाज क्रीम में डाला था वो बहुत अच्छा एंटी एजिंग है। आलमंड भी बहुत एंटी एजिंग है, जो हमारी स्किन की झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करता है। हल्के हाथों से 10 मिनट तक अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करें और उसके बाद अपने फेस को क्लीन कर लें। आप स्क्रबिंग और मसाज करने के बाद ही अपने फेस पे एक अच्छा सा ग्लो देखेंगे। ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम अपने फेस पे अप्लाई किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने फेस पे। तो उसके बाद हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर फेस पैक। पैक को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करें और जब ये सूख जाए तो चेहरे को धो लें। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छा फेशियल है। अब मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसको एटलीस्ट एक बार अपने घर पे ट्राई ज़रूर करें। इसके रिव्यू, इसके जो आपके चेहरे पे इसका जो ग्लो आएगा उसके रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस फेशियल को आप हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, अमेजिंग है। सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद जल्दी से उठिए, इस फेशियल को अपने ज़रूर ट्राई करें और इसके रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आई होप आपको मेरी आज की ये DIY आलमंड फेशियल प्लस ब्लीच की बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसी अच्छी, इंटरेस्टिंग और ईजी रेमेडीज़ लेकर आती रहूँगी। सो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।